हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। जैसे कि मैंने पहले ही आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने अपराजिता के पौधे की कटिंग कैसे लगाई जाती है, उसमें मैंने ये दिखाया है। अब मैं आपको सदाबहार के पौधे की कटिंग इस वीडियो में लगाना शेयर करूँगी। सदाबहार का पौधा एक हार्डी प्लांट है, इसको धूप बहुत पसंद होती है, इसलिए मैंने इसको छत के ऊपर फुल डे लाइट में रखा हुआ है। अगर हम इसके फ्लावर्स की बात करें तो इसमें फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है और मैं इसको महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइज़र ऐड कर देती हूँ। अब बात करें इसकी कटिंग की, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं ये जो सदाबहार की स्टेम है इसको एज अ कटिंग अपने पॉलीबैग में यूज़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक स्टेम है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। और जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो उसको हमें हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे ही कट करना होता है। मेरे सदाबहार के पौधे पर काफ़ी फूल आए हुए हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है, और ये फूल मुझे बहुत पसंद हैं। और सदाबहार के पौधे को आप कभी भी छाया में मत रखिए, क्योंकि ये एक सनलाइट लवर प्लांट है। और सारे पत्ते आप देख ही सकते हैं कितने लश ग्रीन कलर के हैं। अब मैं एक सीज़र की हेल्प से कटिंग को 45 डिग्री एंगल पर कट करूँगी। और कटिंग लेने के बाद में हमें उसको डायरेक्ट किसी पॉली बैग या अर्थन पॉट में शिफ्ट करना होता है। मैंने पॉली बैग में पहले ही एक अपराजिता के पौधे की कटिंग लगाई हुई है। अब मैं इस कटिंग को उसी पॉली बैग में ही शिफ्ट करूंगी। और शिफ्ट करने के बाद में आप हर एक कटिंग को पानी ज़रूर दें और उसको शेड में रखें। और अब मैं एक पेंसिल की सहायता से दोबारा 2 इंचेस डीप होल सॉइल में कर लूँगी। आप किसी और स्टिक की हेल्प से भी ये कर सकते हैं। और होल करने के बाद में उसके बाद में आपकी जो भी कटिंग है उस कटिंग को आप सॉइल के अंदर फिक्सअप कर दीजिए। अब मैं अपनी सदाबहार की कटिंग को ये 2 इंचेस डीप होल में फिक्स कर दूंगी। जब आपकी कटिंग तैयार हो जाए आपने उसको तभी किसी पॉट में शिफ्ट करना है, उससे पहले आपने कटिंग को शेड में ही रखना है। और पॉट में शिफ्ट करने के बाद भी आपने कटिंग को हमेशा पार्शियल शेड में रखना है, जब तक कि वो कटिंग एक प्लांट की शेप ना ले ले। इस तरह से मैंने ये सदाबहार की और अपराजिता के पौधे की कटिंग पॉली बैग में शिफ्ट की हुई है, और इसकी जैसे भी अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन Do share, subscribe my channel. Thank you so much.